अगले एक या दो हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के आसार, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। यूपी में संगठन में नहीं होगा बड़ा बदलाव, सूत्रों के हवाले से आई खबर। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों और विधायकों से की थी चर्चा, राय उभरी की योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के नेतृत्व में ही मिलेगी जीत। सूत्रों के हवाले से खबर, एके सिंह को यूपी सरकार से मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले ने भी लिया था फीडबैक और इसके बाद संगठन महामंत्री ने की थी चर्चा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जुलाई में यूपी के दौरे पर जाएंगे। दिल्ली में आज से शुरू हुई आरएसएस की अहम बैठक, मोहन भागवत की अगुवाई में यूपी को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी हाईकमान की ओर से गठित कमेटी के सामने पेश होंगे, बगावत पर रख रहे हैं अपनी राय। दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में आप को दिया झटका, तीन विधायकों को कांग्रेस में कराया शामिल। आप विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अकाली दल का हमला, कहा मिलकर खेल रही हैं दोनों पार्टियां। बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का संगीन आरोप, कहा नीतीश ने कराया शराब घोटाला, जाएंगे जेल। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा पीएम ने कहा था 21 दिन में जंग जीतेंगे, डेढ़ साल हो गया। पीएम केयर फंड पर भी शिवसेना के सवाल, हिसाब सामने रखने की मांग। दिल्ली में संभावित तीसरी लहर की तैयारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे दो अहम बैठकें। पहली बैठक एक्सपर्ट कमेटी के साथ, दूसरी बैठक में तैयारियों से जुड़ी कमेटी से करेंगे बात। केरल में कोरोना पर बड़ी राहत का ऐलान, बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान। रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ब्याज दर में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% बरकरार। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार, 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। वित्त वर्ष 2021 के लिए रियल जीडीपी 7.3% रहने का अनुमान, अच्छे मॉनसून से इकॉनमी में रिवाइवल संभव। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। पहले आरबीआई ने 10.5% का अनुमान जताया था, कोरोना से रोजगार पर पड़ा है असर। देश में कोरोना की रफ्तार घटी, 24 घंटे में 1,32,364 नए मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की गई जान, सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों से आए। पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, दिल्ली मुंबई में सुधरे हालात। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 3,40,702 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 22,41,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बातचीत, वैक्सीन की किल्लत दूर करने पर बड़ी उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने पर बात, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान पर की बातचीत, दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बची हुई खुराकों को बाकी देशों में बांटने की योजना का ऐलान किया, 75% यूएन के सहयोग से वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत को जरूरी दवाओं और मेडिकल के सामान भेजे, पीएम ने जताया आभार। सागर धर्मगढ़ हत्याकांड में सुशील पर और कसेगा शिकंजा, फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी देने वाली लड़की से होगी पूछताछ। हरिनगर में रहने वाली ये लड़की भी खिलाड़ी, पुलिस पूछेगी क्यों दी थी सुशील की स्कूटी। लड़की से होगा सवाल, सुशील को स्कूटी किस जगह पर दी, स्कूटी पर फरार हुआ था सुशील। रेप के दोषी आसाराम की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। हाईकोर्ट ने नहीं दी थी जमानत, सेहत के आधार पर जमानत मांग रहा है आसाराम। इम्फाल में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 200 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट, 16 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिलने पर टीकाकरण के लिए मेरठ आ रहे 18 साल से 44 साल की उम्र के लोग, आधार यूपी का नहीं होने की वजह से मना किए जाने पर कर रहे हैं हंगामा। वैक्सीन की कमी पर सियासत जारी, शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल हिमाचल के राज्यपाल से की मुलाकात, देश के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की मांग।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक दुकानदार को किया गिरफ्तार। नाइट कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकान खोलने का आरोप। संगरूर में ग्रंथी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क। स्वास्थ्य विभाग ने सकरौदी गांव में शुरू किया टेस्टिंग अभियान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना पीड़ित के अस्पताल में हुई मौत। परिजनों का आरोप, जब तक पैसे दिए तब तक हुआ सही इलाज। आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल पर इलाज में बरती गई लापरवाही। दिल्ली में फिर लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। आनंद विहार बस अड्डे पर देखी गई भीड़। चौंक में एक शराबी शमशान घाट से उठा लाया कोरोना पीड़ित युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। ऋषिकेश में एक शख्स आवारा पशुओं का बना मददगार। लॉकडाउन में आवारा पशुओं के लिए आहार का किया इंतजाम। कोरोना काल में घटी विकास दर पर बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। विकास दर कम जरूर हुई है लेकिन देश को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां होंगी सामान्य। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन खुलते ही मची शादियों की धूम। जून में शादियों की मंजूरी के लिए कलेक्टर को मिले 113 आवेदन। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का सीएम ममता पर वार। कहा, ममता के द्वारे राशन योजना जनता से छलावा। तूफान पीड़ितों की ना उजड़ी छतें ठीक हो रही हैं और ना मिल रहा है राशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने को लेकर राहुल प्रियंका पर किया वार। बोले, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वैक्सीन की बर्बादी होने का दिया हवाला। सही ढंग से टीकाकरण नहीं होने की बात कही। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर एक जौहरी को मारी गई गोली। गंभीर हालत में टाटा अस्पताल में रेफर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से की बात। सीबीएसई एग्जाम रद्द होने के बाद चर्चा। छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्रालय की चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अचानक प्रधानमंत्री मोदी की हुई एंट्री। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों के साथ की बात। पूछा, आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक। कानपुर देहात में धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद बुझाई आग। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 487 नए मरीज। एक दिन में 45 लोगों की मौत। घोटालेबाज मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने पर डोमिनिका कोर्ट में टल गई सुनवाई। अब पहली जुलाई के आसपास रखी जा सकती है दलील। चौकसी पर सुनवाई के दौरान डोमिनिका कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, जमा हुए कुछ लोग। मेहुल चौकसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने देश को दिलाया भरोसा। कहा, भगोड़ों को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। चौकसी को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तानी एजेंसीज। परिवार की दलील, एंटीगा का है सिटीजन। 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था मेहुल चौकसी। अवैध तरीके से घुसपैठ करने का है आरोप। अमरावती में आदिवासी इलाके में अंधविश्वास का खेल। इलाज की जगह तांत्रिक पेट पर करते हैं चोट। भटिंडा में 9 साल से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था सिपाही। राज खुलने पर किया गया सस्पेंड। कटिहार में नकली नोट बरामद। नोटों की डिलीवरी देने आए कारोबारी गिरफ्तार। आगर मालवा में टूटे कोरोना नियम। बैंकों के बाहर भारी भीड़। बाजार में दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूले लोग। असम की बराक घाटी में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा। 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद। बिहार के बख्तियारपुर में पुलिस ने बैंक कर्मी से लूट के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल बरामद। मुंबई के बांद्रा के कांटो रोड से अज्ञात शख्स का शव बरामद। शिनाख में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव। नजदीकी इलाके में लोगों को सांस लेने में तकलीफ। बिहार में मनेर में आग लगने से 6 दुकानें जली। लाखों का नुकसान। दिल्ली में अपराधी बेकाबू। रोहिणी में सड़क पर महिला को चाकू से गोदा। दिल्ली में कत्ल की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोप पड़ोसी पर। दरभंगा में बैंक से रकम निकालकर जा रहे शख्स को लूटा। लाखों की लूट सीसीटीवी में कैद। पटना के मनेर में आधा दर्जन दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। धौलपुर में पकड़ा गया सब इंस्पेक्टर। ले रहा था 20,000 की रिश्वत। दिल्ली में बीती रात हुआ भीषण कार हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क के बीचों बीच लगे रेड लाइट पोल से टकराई। ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। दिल्ली में अरुणा आसफ अली रोड पर हुए हादसे में एयरबैग ने बचाई कार सवारों की जान। कार में 3 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में 31 मई से लापता युवती का शव बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। युवती के परिजनों का आरोप, रेप के बाद की गई हत्या। तेजाब डालकर शव गलाने की हुई कोशिश।
यूपी के मैनपुरी में कैनरा बैंक में ग्राहकों से धोखाधड़ी, फर्जी एटीएम जारी कर ग्राहकों के 23 लाख रुपए हड़पे गए, डीएम ने दिया जांच का आदेश। राजस्थान के बारा में करंट लगने से युवक की मौत, 8 घंटे बिजली के पोल पर लटका रहा शव, मुआवजे की मांग, ट्यूबवेल का तार ठीक करने पोल पर चढ़ा था युवक। मुंबई के गोरेगांव में जांबू कोविड सेंटर को हुआ एक साल, जमकर झूमे डॉक्टर्स और नर्सेज, मरीज भी हुए खुश। गुरुग्राम में अस्थायी कोविड सेंटर को लेकर विवाद, अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, हेमकुंड फाउंडेशन ने बनाया था। लखनऊ के सरकारी कर्मचारी कोरोना से मौत पर मुआवजा कम होने से खफा, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, मुआवजा 1 करोड़ करने की मांग। सहरसा में वैक्सीन को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश, एसपी ने खुद मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर लोगों को समझाया। इंदौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दिए इस्तीफे, मांग नहीं माने जाने से हैं खफा। नेपाल में वक्त से पहले आया मॉनसून, किसानों में खुशी की लहर। वियतनाम और सिंगापुर ने भारत को भेजी कोरोना इलाज के लिए मदद, आईएनएस एरावत से आई है खेप। जेरूसलम में कोरोना नियमों को मिली छूट, समलैंगिकों की सालाना प्राइड परेड निकली। तुर्की से राहत सामग्री के ट्रक सीरिया में जाने पर कुछ बंदिशें, संयुक्त राष्ट्र ने चेताया, इससे लाखों लोगों को होगी दिक्कत। इसराइल में नई सरकार संभालेगी कामकाज, लेकिन फिलिस्तीन को नई सरकार से नहीं हो है कोई उम्मीद। ब्रिटेन ने पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट से हटाया, यहां जाने वालों पर भी लागू होंगे क्वारंटीन नियम। ओक्लाहोमा की सामूहिक कब्र से 3 और शव बरामद, 1921 के नरसंहार से कनेक्शन की जांच के लिए होगा डीएनए। अमेरिका दुनिया के देशों को देगा 2.5 करोड़ वैक्सीन, व्हाइट हाउस ने बनाया पूरा खाका। जो बाइडेन ने मनाया पत्नी जिल का 70वां जन्मदिन, डेलावेयर में बाइसिकल राइड करते हुए नजर आए। ब्रिटिश पीएम ने लगवाई एस्ट्राजेनेका का दूसरा वैक्सीन डोज, ब्रिटेन में चल रही है अनलॉक की तैयारी। इसराइल पर अमेरिका का यान अहम रणनीतिक भागीदार बना रहेगा इसराइल। मेड्रिड के होटल में लगी भीषण आग, 200 लोगों को वक्त रहते किया गया रेस्क्यू। कान फिल्म फेस्टिवल में जाने वालों पर लागू होंगे सख्त नियम कायदे, हर 48 घंटे में कराना होगा कोरोना टेस्ट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रिहायशी इमारत जमींदोज, 2 लोगों की मौत। श्रीलंका के समुद्री तट पर डूबा जहाज, ड्रोन ने कैद की तस्वीरें।